हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा और रेजोनेंस एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है, ये पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन रूल्स को पहले मैंने लिख दिया है, एक साथ आप लोगों को भी पहले लिख लेना है, आलस नहीं करना है, लिखना जरूर है, है ना। मैंने तो आलस कर दिया, एक साथ लिख दिया, आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को लिखना है इनको। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिखिए, फिर मैं एक एक पॉइंट को समझाता हूँ, इनके एग्जांपल्स भी लेंगे। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज किया होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, रेजोनेंस पॉसिबल ओनली इन प्लेनर और नियरली प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं इसको मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बताएंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कैसे उनको निकाला जाता है। रेजोनेंस पॉसिबल ओनली इन प्लेनर और नियरली प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स इन विच एडजेसेंट पी और डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन विद पैरेलल अरेंजमेंट। ये क्या मतलब है, ये मतलब ऐसा है कि रेजोनेंस उन्हीं सिस्टम्स में होता है जो कि प्लेनर हो, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो उससे कोई मतलब नहीं है, जहां रेजोनेंस हो रहा है वहां प्लेनरिटी होना चाहिए। और प्लेनरिटी होने से क्या फायदा होगा, प्लेनरिटी होने से एडजेसेंट पोजीशन के पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैपिंग करने लगेंगे, जिससे कि पाई बॉन्ड बनते हैं। याद करो आप लोग, सिग्मा एक ही बॉन्ड पर ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनते हैं। रेजोनेंस केवल पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट है, सिग्मा बॉन्ड में तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है पाई बॉन्ड्स में। तो ये पहला पॉइंट ये है कि प्लेनरिटी होनी चाहिए या लगभग प्लेनर होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी मैं बताऊंगा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जुड़े हों इस तरह के सिस्टम्स को कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स कहते हैं। तो वहां क्या होगा, वहां पी या डी ऑर्बिटल्स इस तरीके से आ जाएंगे कि वो पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे और पैरेलल ओवरलैपिंग कर पाएंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं, और भी पहले इनको एक पॉइंट को मैं समझा दूं, फिर इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, द नेट चार्ज रिमेन सेम ऑन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड जो आपको दिया गया है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, या क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक करनी है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज सेम होता है। अब नेट चार्ज सेम कैसे होता है, जैसे एक कंपाउंड है उसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसमें ओवरऑल चार्ज दो दो प्लस हो दो माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं, ओवरऑल नेट चार्ज अगर माइनस वन है तो इसमें भी ओवरऑल नेट चार्ज माइनस वन होगा, क्लियर है। तो दोनों रेजोनेटिंग या जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उस स्पीशीज की, उसका नेट चार्ज सेम होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जीरो न्यूट्रल चार्ज वाली है, बिल्कुल न्यूट्रल है, और सेकंड स्ट्रक्चर में एक प्लस और एक माइनस है तो उसका चार्ज भी जीरो हो गया। तो इस तरह की कंडीशन अगर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपने लिखा कि नेट चार्ज सेम होना चाहिए। थर्ड क्या है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉन्जुगेटिव सिस्टम्स कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस नॉट सिग्मा बॉन्ड। वो तो मैंने बोल ही दिया कि सिग्मा बॉन्ड तो आई इंडक्टिव इफेक्ट में काम करता है, बट पाई बॉन्ड्स जो हैं वो ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनती है, वहीं रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़िए, लिखा है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। क्या मतलब हुआ, वापस पढ़ें कि एटम्स का जो है न्यूक्लियस जो है, मतलब एटम्स जो हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने चाहिए। एक वही वापस एग्जांपल लेता हूँ, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक क्लोरीन है, उसका पोजीशन कुछ फिक्स है, उस जगह जुड़ा हुआ है, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी वो क्लोरीन उसी पोजीशन पे होगा, ऑक्सीजन है किसी पोजीशन पे रुका हुआ है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर लेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, केवल कॉन्जुगेशन के पाई इलेक्ट्रॉन या कॉन्जुगेशन के लोन पेयर ही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं,
ठीक है, एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। अगर किसी दो स्ट्रक्चर्स में आपको पूछा गया है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है और उनमें एटम्स का अरेंजमेंट सेम नहीं है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो भी नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सिमिलरली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो सेम, मीन्स अनचेंज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हैं और उनमें से एक स्ट्रक्चर का में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर उस स्ट्रक्चर में टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू ही होने चाहिए। क्लियर है? तो याद रखिएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो भी सेम होने चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर एटम रिमेन्स सेम, मीन्स अनचेंज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। वापस कहता हूँ कि कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उसमें एक ऑक्सीजन है या एक कार्बन मान लेते हैं, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसी कार्बन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। तो ये तो मैंने जल्दी जल्दी इन पॉइंट्स को पढ़ के बता दिया, आप लोग जो है मैंने बोला है ना उसे आप लोग वापस से रिपीट करके सुन सकते हैं, इसे सुनना जरूरी है। मैंने जो फटाफट मैंने बोला है उसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट और है, तो मैंने इसको बड़ी मेहनत से लिखा है, मिटाना तो पड़ेगा। सेवंथ पॉइंट, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल भी पढ़ा होगा, लुईस ने दिया था ऑक्टेट रूल। तो लुईस के रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को सभी को पता है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब ऑक्टेट रूल को पार नहीं कर सकता, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो वही कॉन्सेप्ट रेजोनेंस में भी काम करेगा कि ऐसी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, भावनाओं में बहकर भी नहीं बनानी है, जिसमें कोई एटम ऑक्टेट से ऊपर चला जाए और वो सेकंड पीरियड का हो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट तो ऑक्टेट से ऊपर भी चले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। सल्फर तो 6-6 बॉन्ड में आ लेता है, कार्बन ने कभी 5 बॉन्ड बनाए क्या? नाइट्रोजन ने कभी 5 बॉन्ड बनाए क्या? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना देता है लेकिन नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनानी है जिसमें सेकंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स atoms of second period should follow octet rule, octet rule, उस ऑक्टेट रूल का वो फॉलो करने चाहिए। सेकंड पीरियड की बात कही है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये कार्बन है और उस पर 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कार्बन पे 3 ही बॉन्ड हैं और नेगेटिव चार्ज है, चल जाएगा। ऑक्टेट से कम भी रह सकते हैं लेकिन ऑक्टेट से ऊपर नहीं निकल सकते,
ठीक है, ये पॉसिबल है? ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कार्बन के तीन ही बॉन्ड और उससे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन पे तीन बॉन्ड है तो लोन पेयर जरूर होगा, नाइट्रोजन पे चार बॉन्ड बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, अगर नाइट्रोजन ने फोर बॉन्ड बनाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन टू बॉन्ड बनाए और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, वैसे बहुत मुश्किल है ऐसा, लेकिन आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये तो फिर भी पॉसिबल है। ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए तो उस पर लोन पेयर होंगे, अगर ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए तो ये लोन पेयर एक है और पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए नाइट्रोजन फोर बॉन्ड बना ले और ऑक्सीजन थ्री बॉन्ड बना ले तो वो तभी पॉसिबल है जब इसने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किसी और एटम को दे दिया, इसने भी अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किसी और एटम को दे दिया तो ये पॉसिबल है। ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज तो आ जाता है कि अब इसकी इच्छा नहीं होती आगे और लोन पेयर किसी को डोनेट करने की, इसलिए अब ये दूसरा लोन पेयर तो डोनेट नहीं करने वाला। तो ये सभी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी भी कि कार्बन पे चार बॉन्ड है या उस पर प्लस और माइनस चार्ज लगा रखा है, ये सब गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, हो ही नहीं सकता ऐसा, कभी नहीं होगा, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। नाइट्रोजन ने फोर बॉन्ड बना लिए और उस पर आपने नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन ने थ्री बॉन्ड्स बना दिए और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्टेट से ऊपर निकल गया, असंभव स्ट्रक्चर है, है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन ऐसा भी एक्सपेरिमेंटली नहीं करता है कि उस पर प्लस टू चार्ज आ जाए कि दोनों लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं बनानी है, किसी भी तरह से भावनाओं में बहकर भी नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बताया मैंने, अब वो जो कुछ रूल्स बताए थे ना उसका एक दो एग्जाम्पल देके आप लोगों को सेट करता हूँ इसमें किस तरीके से उन रूल्स का फॉलो करना है। तो ये तो आप लोग बना ही लीजिए, ये सभी स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट ऐसी स्ट्रक्चर्स किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं बनानी है। ऑक्टेट से ऊपर निकल गया, ऑक्टेट काउंट करना आता है आपको, अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 8 से भी ऊपर चला गया, 9-10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये तो 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ऑक्सीजन एक साथ दो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, दो लोन पे डोनेट नहीं करता है, ठीक है। हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि रेजोनेंस केवल कॉन्जुगेटेड प्लेनर सिस्टम्स में ही होता है, बिल्कुल होता है। अब उसका एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन पर यहां पी ऑर्बिटल होते हैं, पता है ना, ये बताया था मैंने, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहां पी ऑर्बिटल है, बेंजीन यू है और पी ऑर्बिटल इस तरीके से है, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, एच मैंने यहां बनाए नहीं है, तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकते हैं ना, बेंजीन प्लेनर है तो ये पैरेलल हो गए और इजीली ओवरलैप कर सकते हैं, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ये अपन यूं बना देते हैं, बट ये सारे लोब्स ऊपर वाले लोब जो हैं आपस में मर्ज होकर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं, तो इसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये प्लेनर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये स्ट्रक्चर है ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है ये वाला कंपाउंड, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जैसे कि 8 कार्बन है और पी ऑर्बिटल इस तरीके से परपेंडिकुलर है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर टब शेप स्ट्रक्चर है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये 8 कार्बन है, ये पी बॉन्ड है, टब शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है इसे, और ये प्लेनर तो है नहीं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है,
नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, इस कारण से इसमें रेजोनेंस भी नहीं होता है, नो रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि सारे पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। ये पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं इस तरीके से, ये पी ऑर्बिटल अलग प्लेन में है, ये पी ऑर्बिटल अलग प्लेन में है, यहाँ पी ऑर्बिटल अलग प्लेन में है, तो ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, पर ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर पाते क्योंकि सारे पैरेलल नहीं है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। तो इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलती है, सिंगल बॉन्ड की अलग होती है, डबल बॉन्ड की अलग होती है, जबकि बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ठीक है, और जो पॉइंट्स हैं जिसके बाद में जो और बताए थे मैंने आपको, उन पॉइंट्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना सीखना पड़ेगा, तो वो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लेंगे। इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन सिस्टम्स किस तरह से होते हैं, उन्हें हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। ओके, थैंक यू।